इडली के चार चार पीसेस कर लिए हैं और ये इस तरह से हमने सारी इडलियों के चार चार पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने करीब 2 चम्मच भर के, जो दाल की चम्मच होती है वो भर के हमने तेल लिया और इस तेल में राई डाली। राई चिटकते तक हम इसको डालते हैं। फिर मीठी नीम की पत्ती का तड़का लगाया और तड़का लगाने के बाद में हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में इसमें हमने हल्का सा भुना हुआ जीरा और सांभर मसाला मिलाया। ये देखिए इस तरह से। और हमारे पास में जो इडली है उसको हमने बघार में डाल दिया। ये देखिए हमारी इडली, फ्राइड इडली रेडी हो रही है। अब एक बार फिर से गैस जलाएंगे और इसमें हल्का सा काला नमक भुरक देंगे, क्योंकि हमने इसमें इडली में पहले भी सादा नमक डाल चुके हैं, इसलिए काला नमक सिर्फ टेस्ट के हिसाब से थोड़ा लेंगे। यदि आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा सांभर पाउडर और मिलाना चाहिए तो हम मिला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम यूं ही छोड़ देंगे। ये हमारी इडली रेडी है और आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने इस तरह से रखा। चाहे तो इसके ऊपर सॉस से इसको डेकोरेट कर सकते हैं या चाहे तो नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को सॉस ज़्यादा पसंद आता है, इस वजह से मैंने इसमें सॉस रखा हुआ है। और नारियल की चटनी बनाना मैंने आपको एक और एपिसोड में सिखाया था, वो आप देख करके सीखिएगा।